नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना के ठीक बगल में स्थित डॉक्टर श्रवण कुमार कलकलेने के इन दिनों मौत का सौदागर बन चुका है। चंद रुपयों की खातिर गलत ढंग से ऑपरेशन करना, फिर मौत हो जाने पर पैसा देकर मामले को रफा दफा कर देना डॉक्टर श्रवण कुमार के लिए आम बात हो गई। शुक्रवार को भी उनके इलाज के दौरान एक 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान बरबीघा नगर क्षेत्र के नर्सरी मोहल्ला निवासी चांदो देवी की पुत्री 30 वर्षीय गीता के रूप में की गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए दर्जनों की संख्या में परिजनों ने श्रवण कुमार के क्लिनिक पर धावा बोल दिया। परिजनों का उग्र रूप देखकर डॉक्टर सहित अस्पताल के तमाम कर्मी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। मामले को लेकर मृतक की मां चांदो देवी ने बताया उसकी पुत्री 4 महीने की गर्भवती थी। काफी ज्यादा रक्तस्राव होने लगा जब शुक्रवार की सुबह अचानक उसका गर्भपात हो गया। गंभीर अवस्था में गीता देवी को एक महिला चिकित्सक के निजी क्लिनिक में ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण उसे श्रवण कुमार के क्लिनिक में भर्ती करा दिया, जहां 20,000 रूपये लेकर महिला का अबॉर्शन किया गया। लेकिन इस दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर श्रवण कुमार ने परिजनों को धक्के देकर क्लिनिक से बाहर कर दिया और किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दे डाली। विवश परिजन गीता देवी को लेकर बिहार शरीफ जा ही रहे थे कि रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और क्लिनिक पर पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। फिलहाल बरबीघा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में जुट गई। आपको ये भी बता दें कि 5 जुलाई को बीसी क्लिनिक में बरबीघा थाना अंतर्गत हैदरचक गांव निवासी शैलेंद्र कुमार की 35 वर्षीय पत्नी करुणा देवी की मौत ऑपरेशन के बाद हो गई थी। परिजनों को महज 60,000 देकर मामला बड़ी संजीदगी से रफा दफा कर दिया था। बहरहाल देखते हैं कि अब जिला स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी महोदय इस मौत के सौदागर वाले क्लिनिक पर कार्रवाई करती है या नहीं। बताया जाए एक सप्ताह पहले भी यहाँ कांड हुआ, एक महिला की मौत हो गई थी, उस पर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं किया था। इस बार आपके तरफ से क्या कार्रवाई किया जाएगा ताकि इस मौत का खेल को रोका जा सके? पिछला बार सर आपके संज्ञान में मामला आया था जो एक महिला की जान चली गई थी, उस पर आप यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, उस पर आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था ताकि इस मौत के खेल को रोका जा सके। इस बार आपकी तरफ से क्या कार्रवाई किया जाएगा? डॉक्टर के चूंकि टेक्निकल इशू है, काम करने का उनको क्या क्या अधिकार है, क्या लाइसेंस है, क्या नहीं है, वो तो सर्जन साहब ही स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सर एक पैमाना होता है जो पूरी बिना पैमाना पूरा किए हुए एक क्लिनिक चलाया जा रहा है भाई तरीके से। पिछली बार भी सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से मामले को उजागर किया गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि पहुंचो पैसों के दम पर फिर से मामले को दबा दिया जाएगा? अभी सर महिला की मौत हुई है, प्राथमिकी दर्ज हुई कि नहीं? हम उसके लिए नहीं आए, हम आए कि हम क्या मतलब मदद इनको कर सकते हैं, बस इस पर आए। अभी सर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तो पुलिस के लोग बताएं कि प्राथमिकी दर्ज हुई कि नहीं? नहीं, कोई बड़ा मामला होता है सर तो अक्सर देखा जाता है कि पुलिस स्वतः संज्ञान भी लेती है और FIR दर्ज करती है, तो क्या इस मामले पर इस तरह का कोई प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा? हाँ, इधर से जो वादी हैं जिनके परिवार का जो मृत्यु हुई है वो लोग ऐसा लिख के देंगे, वैसा हम लोग कार्रवाई करेंगे। पिछले बार भी सर 60,000 रूपये में मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन ना तो जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई किया, ना स्थानीय प्रशासन कार्रवाई किया, तो क्या प्रशासन का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता है कि ऐसे अवैध क्लिनिकों पर जहाँ प्रत्येक लगभग साल भर में 2-4 मौत हो जाती है उस पर संज्ञान लिया जाए? अगर अवैध चल रहा है तो जांच की जाएगी। आप क्लिनिक का जांच किए सर कि क्या व्यवस्था नहीं है, अंदर जाके देखे? मुलाकात नहीं है, सभी जो कर्मचारी हैं नहीं है, भीड़ को देख करके हट गए हैं इधर उधर, जांच हम लोग करेंगे। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।